चाय और कॉफी की तरह सिगरेट भी ड्रग है, लेकिन चाय और कॉफी जितने हमारे यहाँ पसंदीदा हैं या वेल एक्सेप्टेड हैं, सिगरेट भी वैसा ही वेल एक्सेप्टेड ड्रग है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके नुकसान क्या हैं? क्या वाकई मतलब सिगरेट का अगर आप पैक खरीदें तो उस पर एक माउथ कैंसर की तस्वीर बनी नज़र आती है, और आमतौर पर जब लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो उन्हें वो माउथ कैंसर भी नहीं होता, तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये तस्वीर जो है ये कोई ऐसे ही बनाई हुई है। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे, हमारे देखने वाले को, वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताएं कि असल में जब वो एक सिगरेट पीता है तो इनफैक्ट उसके अंदर होता क्या है। अच्छा, सिगरेट तकरीबन जो पिया जाता है ये एक केमिकल जिसको हम निकोटीन कहते हैं उसके लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिगरेट में, एक सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल मौजूद होते हैं। एक केमिकल निकोटीन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है 3999 केमिकल हैं वो ऐसे केमिकल हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, जिसमें तार है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को या आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। कैंसर भी उन्हीं नुकसान में से एक नुकसान है, जो कि आप ऐसी चीज़ों को स्मोक कर रहे होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती। ये जो केमिकल्स इन्वेडर आते हैं बॉडी के अंदर, एक तो जैसे गला जो है वो ख़राब रहने लगता है, और जो सिगरेट पीने वाला शख्स है उसको हमेशा गला अपना साफ करने की ज़रूरत महसूस होती है, और वो थोड़ा खंखारता है अपने गले को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हम वक्त उसके गले में कुछ बलगम सी उसे मौजूद रहती है, गला खुश्क रहने लगता है। इसके अलावा जो भी लोग सिगरेट पीते हैं वो सीढ़ियाँ बड़ी तवातर के साथ नहीं चढ़ सकते, उनको जल्दी सांस चढ़ जाता है, वो दौड़ नहीं सकते, जल्दी सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है, हालांकि उनका वेट ठीक होता है लेकिन फिर भी उन्हें भागने में मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हैं, क्योंकि उनके लंग्स अब उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते स्मोकिंग की वजह से, जितने के एक नॉन स्मोकर के लंग्स जो हैं वो हेल्दी होंगे। इसी तरीके से जैसे एंग्जाइटी का शिकार ये लोग होना शुरू हो जाते हैं, कुछ फिजिकल इफेक्ट और कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, ये स्ट्रेस में ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। तो चाय और कॉफ़ी की तरह सिगरेट भी ड्रग है, लेकिन चाय और कॉफ़ी जितने हमारे यहाँ पसंदीदा हैं या वेल एक्सेप्टेड हैं, सिगरेट भी वैसा ही वेल एक्सेप्टेड ड्रग है। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसके नुकसान क्या हैं? क्या वाकई मतलब सिगरेट का अगर आप पैक ख़रीदें तो उस पर एक माउथ कैंसर की तस्वीर बनी नज़र आती है, और आमतौर पर जब लोग इसे कंज्यूम करते हैं तो उन्हें वो माउथ कैंसर भी नहीं होता, तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये तस्वीर जो है ये कोई ऐसे ही बनाई हुई है। तो मैं चाहती हूँ आप मुझे, हमारे देखने वाले को, वो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बताएं कि असल में जब वो एक सिगरेट पीता है तो इनफैक्ट उसके अंदर होता क्या है। अच्छा, सिगरेट तकरीबन जो पिया जाता है ये एक केमिकल जिसको हम निकोटीन कहते हैं उसके लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि सिगरेट में, एक सिगरेट के अंदर 4000 केमिकल मौजूद होते हैं। एक केमिकल निकोटीन के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है 3999 केमिकल हैं वो ऐसे केमिकल हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, जिसमें तार है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को या आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंसर भी उन्हीं नुकसान में से एक नुकसान है, जो कि आप ऐसी चीज़ों को स्मोक कर रहे होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होती। ये जो केमिकल्स इन्वेडर आते हैं बॉडी के अंदर, एक तो जैसे गला जो है वो ख़राब रहने लगता है, और जो सिगरेट पीने वाला शख्स है उसको हमेशा गला अपना साफ़ करने की ज़रूरत महसूस होती है, और वो थोड़ा खंखारता है अपने गले को साफ़ करने के लिए, क्योंकि हम वक्त उसके गले में कुछ बलगम सी उसे मौजूद रहती है, गला खुश्क रहने लगता है। इसके अलावा जो भी लोग सिगरेट पीते हैं वो सीढ़ियाँ बड़ी तवातर के साथ नहीं चढ़ सकते, उनको जल्दी सांस चढ़ जाता है, वो दौड़ नहीं सकते, जल्दी सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है, हालांकि उनका वेट ठीक होता है लेकिन फिर भी उन्हें भागने में मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होती हैं, क्योंकि उनके लंग्स अब उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते स्मोकिंग की वजह से, जितने के एक नॉन स्मोकर के लंग्स जो हैं वो हेल्दी होंगे। इसी तरीके से जैसे एंग्जाइटी का शिकार ये लोग होना शुरू हो जाते हैं, कुछ फिजिकल इफेक्ट और कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हैं, ये स्ट्रेस में ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं, और अगर इन्हें सिगरेट पीने में थोड़ी मुश्किलात हो, यानी ये ऐसी किसी जगह पे हैं जहाँ पे सिगरेट नहीं पिया जा सकता, तो ये एंशियस होना शुरू होंगे और इनकी कोशिश होगी कि जल्दी उस मीटिंग को वाइंड अप करें ताकि सिगरेट जो है वो उन्हें पीने को मिले। इरिटेबिलिटी बहुत आ, इरिटेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। सो सिगरेट का जो निकोटीन का अमल है ये तकरीबन
हर सिगरेट के अंदर 10 mg के बराबर निकोटीन मौजूद होती है। सो जब भी कोई इनहेल करता है एक पफ दो पफ, तो वो तकरीबन 2 mg निकोटीन को इनहेल कर रहा होता है। और सिगरेट को जब हम स्मोक कर रहे होते हैं तो इसके थ्रू लंग्स से के रास्ते से फौरी तौर पे जो प्लेयर है या डोपामिन है वो भी हमारे ब्रेन में हिट करता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा लगने लगता है और हमें जो बेचैनी है वो ख़त्म हो जाती है, हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी कम करता है। सो हम अपने आप को थोड़ी सी बेहतर पोजीशन के अंदर कंसिडर करते हैं, मेंटली और फिजिकली चाको चौबंद फील करते हैं। लेकिन ये जो स्पैन है जो विद इन 10 सेकेंड हमारे रिवॉर्ड सेंटर को हिट करता है और हमें दोबारा से सिगरेट पीने की तरफ रुजू करता है, ये स्पैन एक्चुअली कुछ मिनट्स का है। यानी प्लेयर हिट तो 10 सेकेंड्स में करता है लेकिन ख़त्म ये कुछ ही मिनटों के बाद हो जाता है। यही वजह है कि कुछ ही देर के बाद हमें एक दूसरा सिगरेट जो है सुलगाने की अर्ज हमारे अंदर डिवेलप होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन में तकरीबन 20 सिगरेट्स पी लेते हैं, या बाज़ूकात कुछ लोग 2 packs यानी 40 सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं। सो ये चल सो चल चक्कर है। एक फिर जितनी आप एंग्जाइटी आपको होना शुरू हो जाएगी, आपका लॉन्ग टर्म यूज़ होना शुरू हो जाएगा, तो डिफिशेंसीज आएंगी और आप दोबारा से हुक्ड होना शुरू हो जाएंगे, हर थोड़ी देर के बाद आपको सिगरेट की ज़रूरत महसूस हो। कुछ लोग जो हैं ये चेन स्मोकिंग करते हैं। चेन स्मोकिंग से मुराद है कि एक सिगरेट ख़त्म होगा तो उसी के साथ ही दूसरा सुलगा लेंगे और पीना शुरू कर देंगे, और बस जब तक वो जाग रहे होते हैं तो चाय के साथ साथ सिगरेट जो है ये दोनों चीज़ें उनकी चल रही होती हैं, या सिगरेट वो बहुत ज़्यादा पी रहे होते हैं। सिगरेट एक ड्रग ज़रूर है और ये एडिक्टिव भी है। चेन स्मोकिंग मीन्स के एडिक्टिव यूज़ है यहाँ पर ड्रग का, लेकिन सिगरेट जो है ये एक ऐसा गेटवे है जो कि बाकी नशों के लिए रास्ता हमवार करता है। दैट इज़ वाई दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस ड्रग। और पूरी दुनिया में 1 billion लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिसर्च, और उनमें से 35 million लोग हर साल सीरियसली सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका में तकरीबन 38,000 लोग जो हैं वो हर साल सिगरेट स्मोकिंग की वजह से उनकी डेथ्स होती हैं। सिगरेट स्मोकिंग जो है ये वन ऑफ द लीडिंग कॉज है डेथ्स का ग्लोबली, कि अगर हम निकालना चाहें कि टॉप फर्स्ट रीज़न क्या है लोगों के मरने की, तो सिगरेट या उससे लिंक्ड कुछ वजूहात होंगी जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मौत के मुँह की तरफ जा रहे होते हैं। स्मोकर्स जो हैं ऑन एवरेज उनकी ज़िंदगी आम लोगों से या नॉन स्मोकर से 10 साल कम होती है, लेकिन लोग चूंकि इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उनका ख्याल होता है कि अगर सिगरेट अभी पी रहे हैं अभी मज़ा आ रहा है तो जो दूर के नुकसानात हैं वो इतने ज़्यादा चुभते नहीं हैं। हमारे यहाँ हमारा माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि अभी बस फ़ायदा पहुँच जाए जो भी फ़ायदा पहुँचना है, अगर कोई नुकसान हमें हफ्ते के बाद होना है या 2 माह के बाद होना है या 10 साल के बाद होना है तो हमारा माइंड ज़्यादा उस पर अटेंशन स्पेंड नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि अच्छा जब आएगा टाइम तो फिर देखा जाएगा, और ऐसा टाइम फिर कभी भी नहीं आता जिसकी तरफ वो सीरियसली देख सकें। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें सिगरेट के नुकसान की वजह से मिलती हैं। माउथ कैंसर का इमेज बना होता है उसके ऊपर, इसीलिए हमें यकीन नहीं होता। इसकी बुनियादी वजह है कि इंसान का ब्रेन जो है वो रिसेंसी को बड़ा ज़्यादा वेटेज देता है, कि जो रिसेंट हैपनिंग है 5 मिनट्स पहले की जो चीज़ है हम ज़्यादा उसी के ऊपर अपनी तमाम मोटिवेशन को बेस कर रहे होते हैं या अपनी परसेप्शन उस पर बना रहे होते हैं। फर्ज करें अगर एक बंदे से आपकी बड़ी दोस्ती है लेकिन ताज़ा ताज़ा कोई झगड़ा हुआ है तो आपको अब सारी बातें उसके बारे में जो भी याद आएंगी वो बुरी बातें याद आएंगी, जबकि पीछे एक लंबा अरसा बहुत अच्छी यादों का भी है, लेकिन आपका ब्रेन हमेशा जो रिसेंट इवेंट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा। सो इसी तरह जब हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद इनको नुकसान का नहीं पता, बल्कि जितने भी सिगरेट पीने वाले हैं उन्हें आम लोगों से सिगरेट पीने के नुकसान का ज़्यादा नॉलेज होता है। सिगरेट के पैक के ऊपर लिखा होता है कि टबैको जो है ये आपकी जान के लिए नुकसानदायक है, फिर उसके ऊपर माउथ कैंसर की पिक्चर बनाई जाती है ताकि लोगों को रियलाइज़ हो। लोग देखते हैं उसकी पिक्चर और कहते हैं कि ये राइट नो तो मेरे हालात ऐसे नहीं, अभी तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ जिससे निकोटीन जा रही है, जिससे मुझे थोड़ी डोपामिन हिट मिल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मेरे लिए सोशलाइज करना आसान है। तो वो कहते हैं अच्छा जब माउथ कैंसर होगा तो देखा जाएगा, और दुनिया में सिर्फ मैं ही तो सिगरेट नहीं पीता जिसको माउथ कैंसर होगा, और भी बड़े लोग हैं जिन्हें माउथ कैंसर हो सकता है, तो हो सकता है मेरी बचत हो जाए। एक ये भी फिनोमिनन है हमारे जहनों के अंदर कि दिस वॉन्ट हैपन टू मी, यानी अगर हम सुनते हैं कि रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं
लोगों की जान जाती है। तो हमें जब हम रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में होता है कि वो मैं नहीं हूंगा जिसकी रैश ड्राइविंग की वजह से जान जाएगी, और हर रोज ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती है। अच्छा, ई सिगरेट का भी बड़ा ज्यादा फैशन है और लोगों का ख्याल है कि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उतना ही नुकसान है जितना कि सिगरेट का है। आप सिर्फ उसको फिल्टर करके पी रहे होते हैं, लेकिन टबैको आपके अंदर जा रहा होता है जो कि आप अपनी सांस के थ्रू इनहेल कर रहे होते हैं, या फिर आपका जो माउथ है उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू भी बहुत सारा जो निकोटीन है वो आप अपने अंदर लेकर जा रहे होते हैं। दैट इज अ स्लो प्रोसेस। इसी तरह लोग च्युइंग टबैको की तरफ जाते हैं कि ये उतना नुकसान नहीं देगा, सिगरेट पीने से तो लंग्स खराब हो जाते हैं तो च्युइंग से कुछ असर नहीं होगा, बल्कि मुंह की मेम्ब्रेन के थ्रू असर जाएगा। दैट इज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन वो उतना ही डेंजरस है जितना कि आपके लिए सिगरेट पीना है। इसी तरह से शीशा है जिसमें लोगों का ख्याल है कि ये फ्लेवर टबैको है, जबकि एक शीशा जो है वो 200 सिगरेट्स के तक उसके अंदर निकोटीन मौजूद होती है। इसका मतलब है कि जब आप एक पफ ले रहे हैं तो आप ज़हन में रखें कि आप कोई 200 सिगरेट इकट्ठे पीने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी डेंजरस टू। लेकिन हम अपने ज़हन में कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं सिगरेट पीने की, और हमें वो वजह बड़ी शानदार लगती है और हम फिर पीने की तरफ जाते हैं। सो जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो उसमें दो मेथड्स बेसिकली जो है वो इस्तेमाल के अंदर आते हैं। एक मेथड तो जो सारे ही लोगों को पता है कि कोल्ड टर्की मेथड, कि आप वंस एंड फॉर ऑल कोई एक डेट मुकरर करें और फिर आप उस सिगरेट पीने को छोड़ने की तरफ जाएं। फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आप उन्हें रिएक्टिवली मैनेज करने की तरफ जाते हैं। दूसरा एक मेथड है जिसको हम वार्म टर्की कहते हैं। वार्म टर्की से मुराद है कि आप ग्रेजुअली छोड़ने की तरफ जाएं और फिर उसमें तकलीफें ज़रा कम आती हैं, आपके लिए मैनेज करना आसान होता है और आप इवेंचुअली अपनी जो ड्रग है या सिगरेट जो है उसको टेपर ऑफ करते जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं संजीदगी के साथ, तो पहले अपने आप को मोटिवेट करें कि मैंने छोड़ना है। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ कि मोटिवेट करें तो वो कहते हैं हम मोटिवेटेड हैं, आप अगली बात करें। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये सिर्फ आपके जहन में एक थॉट का आना कि मुझे सिगरेट छोड़ना चाहिए, या घर में किसी का पॉइंट आउट कर देना कि क्यों पीते हो, मत पिया करो, सो ये इनफ मोटिवेशन नहीं है। बल्कि आप कागज पेंसिल लें और उस पर प्रोन्स एंड कॉन्स लिखना शुरू करें, ताकि आपकी मोटिवेशन कुछ सीरियस नोट्स पे बनना शुरू हो जाए। प्रोन्स आप लिख सकते हैं, प्रोज आप लिख सकते हैं कि मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मैं स्मोकर्स के साथ अच्छे तरीके से हैंग आउट फिर कर सकता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे थोड़ा मूड एलिवेट मेरा होता है या मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, सिगरेट पीता हूँ तो मैं थोड़ा कूल दिखता हूँ, ये भी एक फैक्टर प्रोज का हो सकता है कि एडवांटेज क्या है सिगरेट पीने का। इसी तरह साथ में फिर डिसएडवांटेजेस भी लिखने की तरफ जाएं। डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि घर वाले बार बार मना करते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार मुझे क्यों कहते हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं और वो पॉइंट आउट करते हैं कि मेरे मुँह से बुरी स्मेल आ रही है, और या मेरे जो होंठ हैं वो काले दिखने शुरू हो गए हैं, या मेरी उंगलियों की जो पोरे हैं वो पीली हो गई हैं, दांत पीले नजर आने लगे हैं, और जब भी मैं किसी छोटे बच्चे को उठाता हूँ तो वो मुझे कहता है कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आप हमें प्यार नहीं करें, और या फिर मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे मुंह से अजीब तरह की स्मेल आती है, या कपड़ों से स्मेल आती है, या मेरे कमरे से सिगरेट की जो है वो स्मेल आती है, और लोग मुझे पॉइंट आउट करते हैं इस बात पे। सो ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपके डिसएडवांटेजेस के अंदर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ हेल्थ अफेक्ट हो रही है, जैसे आप जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो खाना थोड़ा कम खाने की तरफ जाते हैं, सो बाज़ औक़ात वो थोड़े पतले भी दिखने की तरफ जाते हैं, या खाने में कोई बड़ी ज़्यादा रगबत उनको नहीं होती, सो वो कह सकते हैं कि मुझे खाने में बहुत रगबत नहीं होती, हालांकि मैं बहुत फूडी हूँ लेकिन सिगरेट की वजह से मुझे खाना ज़्यादा टेस्टफुल नहीं लगता। वो ये भी डिसएडवांटेजेस के अंदर लिख सकते हैं कि मेरा जो सांस है वो जल्दी उखड़ जाता है, या फिर मुझे कोई दिल का मर्ज है, मैं इस वजह से छोड़ना चाहता हूँ, या मैं इस वजह से छोड़ना चाहता हूँ ताकि मेरे बच्चे ये हैबिट पिक ना करें मुझसे। सो देयर कुड बी मेनी डिसएडवांटेजेस जो कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक उन्हें लिखने की तरफ जाएं, और जब आप तमाम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिख लें तो फिर देखें कि क्या इनफ मोटिवेशन है कि आप उसको छोड़ना चाहते हैं। फिर अपनी मोटिवेशन के साथ अपने इमोशंस को भी जोड़ लें कि स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर फैक्टर क्या है खास तौर पे आपके लिए, कि कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप सिगरेट छोड़ने की तरफ जाएंगे। वो हेल्थ हो सकती है आपकी, वो आपका अच्छा दिखना हो सकता है, वो आपका लंबी उम्र तक जीना हो सकता है, वो आपकी स्किन का अच्छा दिखना हो सकता है, वो अपने बच्चों के
इर्द गिर्द जो है वो अच्छे टाइम को स्पेंड करना हो सकता है। सो कोई एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर जिसके साथ आपके इमोशंस भी जुड़े हों, आप उस चीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं, जब मोटिवेशन आप लिख लें सारी जिससे आपको मिलती है, तो दूसरा एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर लें। फर्स्ट करें, आप प्रोन्स एंड कॉन्स सारे देख लेते हैं, आप कोई स्ट्रॉन्ग अपने लिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी ढूंढ लेते हैं, तो फिर उसके बाद राइट वे अगला स्टेप ड्रग छोड़ना नहीं है या सिगरेट छोड़ना नहीं है, बल्कि फिर कोई डेट फिक्स करना है कि फलां दिन से मैंने सिगरेट छोड़ने हैं, और वो डेट जो है वो कमोबेश कोई 40 या 50 दिन बाद की होनी चाहिए। अगर आज आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं तो 40 या 50 दिन बाद की कोई एक डेट तय कर लें कि फलां दिन से मैंने, फलां माह की फलां डेट से मैंने सिगरेट छोड़ने हैं। इन मीनवाइल जो 40 और 50 दिन का फर्क है उसमें अपने आप को थोड़ा तैयार करना शुरू करें और देखना शुरू करें कि क्या आपकी मर्जी आप पे चलती है, क्योंकि आप सिगरेट पीना नहीं चाहते आप फिर भी पीते हैं। सो अपनी मर्जी को बनाने के लिए आप सबसे पहले ये असेस करें कि पूरे दिन में आप कितने सिगरेट पीते हैं। फिर क्या कोई खास स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसमें आप ज़्यादा सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं? फर्ज करें अगर आप सुबह 10 सिगरेट, दोपहर में 10 सिगरेट और रात में 20 सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप इनको इवनली डिवाइड कर दें, यानी तादाद कम ना करें लेकिन सिगरेट सुबह दोपहर शाम जो है वो इवनली डिवाइड कर दें, कि सुबह आप 12 पी लें, दोपहर को 12 पी लें और रात को 12 पी लें, या 15-15 कर लें जितने भी आपके सिगरेट हैं। सेकेंडली आप देखें कि अगर आप खाने के बाद सिगरेट पीते थे तो खाने से पहले पीना शुरू कर दें, ठीक। अगर आपको चाय के फौरन बाद तलब होती है सिगरेट पीने की, तो चाय के आधे घंटे के बाद पीना शुरू कर दें। यानी जिन जिन चीजों के साथ आपका सिगरेट पीना नथी हुआ है हैबिचुअली, उस हैबिट को ब्रेक करने की तरफ जाएं। इससे थोड़ी आसानी पैदा होगी आगे चल के आपके लिए सिगरेट छोड़ने के लिए। दूसरी चीज ये भी देखें कि जब भी स्ट्रेस होता है आप सिगरेट पीने की तरफ जाते हैं, तो स्ट्रेस को कुछ हेल्दी वे से मैनेज करने की तरफ जाएं। फर्ज कर लें कि अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपके लिए, तो आपको लगता है कि अब मुझे सिगरेट की तलब हो रही है, तो सिगरेट की बजाय वॉक करने की हैबिट को अडॉप्ट करना शुरू कर दें। सो आप 40 से 50 दिनों में कोई 30 एक्सपेरिमेंट अपने साथ कर लें और देखें कि क्या ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब हैं। अगर तो कामयाब हैं तो इसका मतलब है कि जो डेट आपने डिसाइड की है उस पर आप अपनी सिगरेट की हैबिट को क्विट करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंटेशन में ही आपको मसले हो रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि अभी आपको मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है और अपनी एक्सपेरिमेंटेशन को जारी रखें। डेट अभी फाइनल जो है आपने रखी हुई, इसको रखा रहने दें, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन कैरी ऑन करें। इवेंचुअली आप अपनी डेट चेंज कर सकते हैं या उस डेट पर फिर सिगरेट छोड़ने की तरफ भी जा सकते हैं। सो अपनी मर्जी अपने ऊपर चलाना शुरू कर दें और देखें कि क्या उसके मुताबिक आप चीज़ों को कर सकते हैं। फिर जो डेट आती है उसके ऊपर आप सिगरेट क्विट करने की तरफ जाएं, और ये ज़हन में रखें कि जब भी आप सिगरेट छोड़ेंगे तो आपको कुछ नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिसमें से एक तो बेचैनी आपको होना शुरू हो जाएगी, आपका मूड ज़रूर चिड़चिड़ा होना शुरू होगा। आपको फर्ज करें अगर आप अकाउंट्स में हैं तो आपके लिए सिंपल मैथ करना भी मुश्किल होगा, यानी जो आप रूटीन में काम बड़ी उम्दगी से कर सकते हैं, सोच विचार के जो काम है उसमें आपको जरूर कोई ना कोई मुश्किल जो है वो पेश आ सकती है, और बाज़ का छोटी छोटी बातें आपको भूलने की तरफ जाएंगी, नींद में प्रॉब्लम आने की तरफ जाएगी। ये बड़ी नॉर्मल सिम्टम्स हैं। जब भी आप क्विट करते हैं तो आपको सिगरेट का एक विड्रॉल फेज भी जरूर होता है, जिसमें ज्यादातर जो अलामतें होती हैं वो आपकी नफ्सियाती होती हैं, कुछ अलामतें आपकी जिस्मानी होती हैं। जैसे मोस्टली पेशेंट हमें ये बताते हैं कि खाना हजम नहीं होता या कॉन्स्टिपेशन उन्हें हो जाती है, हालांकि इस चीज़ का सिगरेट के साथ कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि वो हैबिचुअली लोग कर रहे होते हैं चीज़ों को, सो आपका जो ब्रेन है वो कोई ना कोई उसके अंदर कनेक्शन बिल्ड कर लेता है और उसी के मुताबिक प्रोसेस करने लगता है। सो ये तमाम जो अलामतें हैं इन्हें भी आप मैनेज करने की तरफ जाएं। इसके अलावा आपको क्रेविंग होगी, और क्रेविंग को देखें कि आपने कैसे मैनेज करना है। जैसे क्रेविंग जब भी होती है तो हमें दो टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत है, या तो डिस्ट्रैक्ट करें अपने आप को, या अपनी अटेंशन को अपने आप को डिस्टेंस कर लें। यानी जब सिगरेट आप तय कर लें कि मैंने छोड़ना है, तो फिर आपके घर में कोई सिगरेट मौजूद नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई एस्ट्रे मौजूद नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें अपने घर से उठाकर तो फिर बाहर रख दें। और साथ में अपने किसी ऐसे फ्रेंड से रब्ता करें या घर का कोई फैमिली मेंबर आप ले लें जिसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करें, और उसको बताएं कि आप सिगरेट छोड़ना चाह रहे हैं, और अगर आपको सिगरेट की वजह से कोई बेचैनी होगी
या कोई मुश्किल पेश आएगी तो फिर आप उस बंदे से रابطہ करें और कहें कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं क्या करूं क्योंकि फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा। सो वो शख्स जो है वो कोई ना कोई आपको अटेंशन डाइवर्ट करने की बता सकता है चीज़ के, वो कहता है अच्छा चलो हम दोनों फ़ोन पर बातचीत करते हैं, कोई हेल्दी टॉक करना शुरू कर दे, या वो कहता है कि अच्छा चलो मैं आ जाता हूँ और हम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं, या आप थोड़ी देर के लिए घर के अंदर ही वॉक कर लें, या आप कोई अपना फेवरेट टीवी शो लगा कर देखना शुरू कर दें, या कोई मूवी देख लें, या यूट्यूब पे कोई गाने सुनने की तरफ जाएं ताकि आपकी अटेंशन थोड़ी डाइवर्ट हो और आपके लिए उस क्रेविंग को मैनेज करना आसान हो। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रोएक्टिवली डील करने की ज़रूरत है और माइंड में रखने की ज़रूरत है कि ये मसले बाद में आएंगे, इन मसलों से घबराना नहीं है, बल्कि अगर आप परसिस्टेंटली इन्हें सॉल्व करने की तरफ जाएंगे और हेल्दी वेज यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों को मैनेज करने के, तो ये 2 वीक्स के बाद जो है ये ख़त्म होने की तरफ जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि स्मोकर्स हमें बताते हैं कि एक हैबिट उन्हें डेवलप होती है जिसके दौरान वो सिगरेट को लिट करते हैं, लाइटर से लाइटर निकालते हैं, लिट करते हैं और फिर स्मोक करते हैं। सो ये हैबिट भी उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बाज़ूकात लोग सिगरेट छोड़ देते हैं लेकिन वो लाइटर अपनी पॉकेट में रखते हैं और अपनी तसल्ली के लिए बार बार उसको निकाल के तो ऑन करके देखते हैं और फिर एक दिन वो कहते हैं कि अच्छा सिगरेट भी पास रख लूँ। और मैं आपको बताऊँ कि सिगरेट पास रखने से भी उनका जहन तेज़ी से चलने लगता है और फिर थोड़े ही दिनों के बाद वो सिगरेट जो है वो दोबारा सुलगाने की तरफ भी जाते हैं। सो लाइटर वगैरह मैच बॉक्स अपने पास ना रखें ताकि उन चीज़ों में कोई ना कोई हर्डल जब क्रिएट रहेगी तो आपके लिए सिगरेट पीना थोड़ा अपने लिए मुश्किल बनाने की तरफ भी जाएं। इवेंचुअली एक और चीज़ देखने में आती है कि अगर आप सिगरेट छोड़ने की तरफ जाएंगे तो आपको कोई ना कोई हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो ज़रूर डिवेलप करने की ज़रूरत होगी क्योंकि सिगरेट कोई फिलर है जो आप अपनी ज़िंदगी के दरमियान कुछ ऐसे मोमेंट्स को जो कि खाली होते हैं उन्हें फिल करने के लिए पी रहे होते हैं। सो कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और उन्हें प्रैक्टिस भी करना शुरू करें, चाहे शुरू में दिल नहीं चाहता लेकिन आप प्रैक्टिस करना शुरू करें ताकि इवेंचुअली फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँ। फैमिली को ज़रूर इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि इस बंदे का मूड जो कि सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है इसका मूड थोड़ा ख़राब रहने की तरफ जाएगा, ये छोटी छोटी बात पर झुंझलाएगा, ये थोड़ा खाने पीने में उसकी रगबत थोड़ी बढ़ जाती है और ये वो इरा है जिसके अंदर वो वेट भी ज़्यादा गेन करने की तरफ जा सकता है। सो फैमिली उसको सपोर्ट कर सकती है कि वो वेट गेन से बच जाए और खाने पीने में हेल्दी चीज़ें दे उन्हें। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि मूड को ज़्यादा एलिवेट करती हैं लाइक शुगर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनसे थोड़ा इज्तनाब करने की तरफ जाए, बल्कि प्लेन वाटर या जूसेस जो विदाउट शुगर जूसेस हैं वो ज़्यादा पीने की तरफ जाए या फल ज़्यादा खाने की तरफ जाए। सो फैमिली सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को नींद में काफ़ी मुश्किलात होती हैं, सो कोई ना कोई वॉक की हैबिट अपने स्पाउस के साथ जनरेट की जा सकती है या नींद को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए रात में जैसे दूध का एक ग्लास पीने की तरफ जाएँ या रात को बाथ लेने की तरफ जाएँ और सोने से पहले बाथ लें तो उससे भी अच्छी नींद आपको आने की तरफ जाती है।